इतने बड़े चाकू से आपको मारा, कितने चाकू लगे आपको? भगवान मालिक है, देखो भगवान ने बचाया भाई इनको, 5 चाकू लगे। तो दोस्तों आपने सुना, ड्राइवर ने बताया कि इसको लगभग 1.5 फुट लंबे चाकू से 5 बार इस पे हमला किया गया, और इसके साथ में क्या क्या हुआ, इसकी गाड़ी छीनी गई, इसको कहाँ फेंका गया, कहाँ की ये घटना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आज सुबह ही वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप लोग ऐसी जगह पर जाने से बचें जिस जगह पे खतरा हो, क्योंकि सुबह ही मैंने एक खबर आपको दी थी और आप देख सकते हैं ड्राइवरों की जान दिल्ली में इस समय खतरे में है, लोग उन पर हमला कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों के ऊपर हमला कर रहे हैं? दोस्तों ये जो वीडियो है मुझे आरडी तोमर जी और पिंटू अन्ना जी की तरफ से भेजी गई है, और इसमें ड्राइवर ने जो बताया है दोस्तों बड़े दुख की बात है, अगर इस ड्राइवर को कुछ हो जाता तो इसके बीबी बच्चों को कौन देखता, कौन इसके घर परिवार को चलाता, कौन है इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार, आखिर कब तक ऑटो ड्राइवर अपनी जान गंवाते रहेंगे? दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर भाइयों तक शेयर करें ताकि उनके साथ में ऐसी घटना ना हो सके, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरी वीडियो, ड्राइवर खुद बताएगा कि उसके साथ में क्या क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। ये देखिए भाई, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, और ये सवारी कहाँ से लेके, बताइए जी जरा आप। गिरी रोड जहाँ से उत्तराखंड की बस निकलती है। अच्छा, वहाँ से आप सवारी लेके आ रहे थे? बजीराबाद लेके ना। कहाँ पे लाए, कहाँ की सवारी थी? रामघाटी से नाले वाला रास्ता। हाँ, वहाँ की। तो आपके साथ ये हादसा जो हुआ, उन्होंने जो छुरी मारी, क्या करा? चाकू। इतने बड़े चाकू से आपको मारा, कितने चाकू लगे आपको? भगवान मालिक है, देखो भगवान ने बचाया भाई इनको, 5 चाकू लगे। बताइए इतनी बड़ी कारिस्तानी हुई, ये सारे ड्राइवर भाई खड़े हैं हमारे, देखिए कहाँ कहाँ लगी, ये देखिए जो मार के और नाले फेंक दिया, मोबाइल भी छीना गया, गाड़ी भी छीनी गई। और आपकी FIR लॉन्च क्यों नहीं हो रही थी? लॉन्च हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छी ठाकुर जी ने मेरे पास फोन करा, बोले कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो रिकॉर्डिंग मैंने बनाई इनके साथ में ठाकुर जी की, और वो रिकॉर्डिंग मैंने आगे रखी, भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे क्यों नहीं होगा। तो हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्दी कार्रवाई की, दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्दी ऐसी कार्रवाई की कि जो कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ने में और गाड़ी को प्राप्त करने में किसी दिक्कत नहीं आई, बहुत जल्द से। मैं कहूँ दिल्ली पुलिस को धन्यवाद कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है, जो दिल्ली पुलिस ने बहुत जिन्होंने चोरों को गिरफ्तार करा, जो गाड़ी धन्यवाद है उनके लिए, बहुत बहुत मेहरबानी हमारे दिल्ली पुलिस स्टाफ को, धन्यवाद जी। आपका नाम? पिंटू ठाकुर। हम बोल नहीं सकते आप ज्यादा, इनका नाम है बिट्टू ठाकुर। और कहाँ रहते हैं आप? पांचवा पुस्ता उस्मानपुर। उस्मानपुर पांचवा पुस्ता। तो इन्होंने कुछ यूनियन वालों संगठनों से बात करी, संगठन वालों ने कोई सुनवाई नहीं की, तो किसी ने सुनवाई नहीं करी, कोई मतलब नहीं आया थे। तो मेरे से जैसे बात हुई तो मैंने कहा ठीक है, मैं जैसे फसत मांगूँ। अभी भी मैं जो यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ तो शायद मेरे छोटे वाले भाई की 6 साल की बच्ची, वो रास्ते में आ चुका था, फोन आया मेरे पे कि वो बेटी खत्म हो गई है। तो मैंने कहा कि नहीं, जिस काम से आया हूँ उस काम को भी निपटा के जाऊँगा, और उसके बाद में मुझे हॉस्पिटल जितनी भी होते। ये हमारे RD तोमर हैं, इनके भाई की लड़की खत्म हुई, लेकिन ये अपना ड्राइवरी फर्ज निभाते हुए भाइयों का एक अभी अभी साथ पहुँचे हैं, धन्यवाद इनको, बहुत रुचि है उनका साथ और सहयोग उनका, जो कि उनको ड्राइवरों को किसी तरह देख कर परेशानी ना हो, उनको दलदल और किसी भी भ्रष्टाचार से बाहर निकाला जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी ड्राइवर भाई को ना ऐसा। जय हिंद, जय भारत।